Hello students, welcome to my channel. In this series of lecture, we have already started the BEE subject of BTech first year students. In this subject, we have started unit 5. And in the unit 5, I have already taught the digital electronics part and have started the electronic components part. Today is the last lecture of unit 5. In this lecture, we will study about the behavior of PN junction under biasing. In the previous lecture, we have studied about the PN junction in unbiased condition. Unbiased condition क्या होती थी, जिसमें हमने PN junction में कोई भी electric supply ना दिया हो. PN junction मैंने आपको बताया था कि कैसे form होता है alloying के through, और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि PN junction में due to diffusion एक जो है वो depletion layer बन जाती है, और उस depletion layer की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई है वो मुश्किल हो जाता है ना. तो अब हम ये बात करेंगे कि पीएन जंक्शन में जब हम करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा. तो स्टूडेंट्स, हम पीएन जंक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको दो टाइप से कर सकते हैं ना. जो एक होता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ हम पॉजिटिव टर्मिनल रखें और एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ हम नेगेटिव टर्मिनल रखें, और दूसरा तरीका होगा कि हम पी टाइप के तरफ हम नेगेटिव टर्मिनल रखें और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल करें. तो इस तरीके से हम दो टाइप से हमारे पीएन जंक्शन को जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो व्हेन अ पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सप्लाई, द जंक्शन इज सेड टू बी अंडर बायसिंग. ओके, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन कैन बी अप्लाइड इन टू वेज, नेमली फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम दो टाइप से पीएन जंक्शन डायोड में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं. तो उसमें से एक टाइप जो होगा उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, और एक सेकंड टाइप को हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग. सो वी विल स्टार्ट विद फॉरवर्ड बायसिंग. सो व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ डायरेक्ट सोर्स करंट और अ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ पी एन जंक्शन, द जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड. ओके, तो यानी जब हम पी टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे और एन टाइप से नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है. तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा क्या, उस केस में हमारा जो करंट है वो किस तरीके से सप्लाई होगा. तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो है वो किस तरीके से दिखेगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में कि हमने पी टाइप टर्मिनल की तरफ जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को कनेक्ट किया है, और एन टाइप टर्मिनल की तरफ जो है वो हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को कनेक्ट किया है. सो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि इसमें होगा क्या, उसके बाद हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल करेंगे. तो रिपेल करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना, जिस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. और सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल से जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रिपेल करेंगे. तो रिपेल करने की वजह से क्या होगा, ये जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. तो इस फ्लो की वजह से जो हमारे डिप्लीशन लेयर है, जो डिप्लीशन लेयर हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर ना देखा हो तो वो प्लीज़ मेरी चैनल में जाकर देख लें. तो इसमें जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई है पीएन जंक्शन डायोड की, वो जो डिप्लीशन लेयर है वो हमारी छोटी होती जाएगी, है ना, छोटी होती जाएगी. और डिप्लीशन लेयर कम होने से क्या होगा, डिप्लीशन लेयर होने कम होने से हमारा जो करंट सप्लाई है वो इजीली स्टार्ट हो पाएगा. हमारा जो करंट का फ्लो है वो इजीली फ्लो हो पाएगा हमारा करंट इसमें से, और हमारा जो काम है वो पीएन जंक्शन डायोड का या जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो इसके थ्रू हम इजीली कर पाएंगे, है ना. तो आपको समझ में आया क्या होता है इसमें, कि हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए जो होल्स हैं वो रिपेल करके एन टाइप की तरफ जाते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होकर पी टाइप की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर जो है वो हमारी छोटी होती जाती है. ठीक है, सो इन दिस केस द अप्लाइड फॉरवर्ड पोटेंशियल एक्ट्स इन सच अ वे दैट इट एस्टैब्लिशेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच रिड्यूसेस द फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर. दस द बैरियर पोटेंशियल
एट द जंक्शन इज रिड्यूस्ड एंड देयरफॉर द पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, जो पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज आपको हमको पता ही है कि 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए और 0.3 होता है जर्मेनियम के लिए, तो एक स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज इज सफिशियंट टू कंप्लीटली एलिमिनेट द बैरियर, है ना। जो डिप्लीशन लेयर है वो धीरे धीरे करके छोटी होती जाती है, और जबकि हमको पता है पोटेंशियल जो है वो बहुत कम है, तो थोड़े से वोल्टेज में ही जो हमारी जो पूरी डिप्लीशन लेयर है वो हट सकती है, और इससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जो होता है वो बहुत ही इजी हो जाता है। वंस द पोटेंशियल बैरियर इज एलिमिनेटेड बाय द फॉरवर्ड वोल्टेज, अ कंडक्टिंग पाथ इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट एंड दस अ लार्ज करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन। दिस करंट इज फॉरवर्ड करंट। ओके, सो इस करंट को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, सो पहले मैं आपको बता दूं कि रिवर्स बायस कंडीशन में हम क्या करते हैं। तो व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ डीसी सोर्स और बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ अ पीएन जंक्शन, देन इट इज सेड टू हैव द फॉरवर्ड बायस। लेकिन अगर इससे उल्टा हो कि अगर जो अभी हमने पढ़ा फॉरवर्ड बायसिंग उससे एकदम उल्टा कि हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ हो और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ हो, तो क्या होगा भाई? अभी हमने थोड़ी देर जो पहले पढ़ा है उससे एकदम उल्टी प्रोसेस होगी। अब क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से होल्स जो हैं वो तो वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, है ना, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अगर एन टाइप की तरफ होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से अट्रैक्ट होंगे, तो ऐसे अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, हमारी डिप्लीशन लेयर जो है वो बढ़ जाएगी, हमारा जो बैरियर पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा, तो उससे ये होगा हमारा कि हमारा यहाँ पे करंट का जो फ्लो होना है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, बल्कि नेग्लिजिबल हो जाएगा और एकदम ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से हमारी डिप्लीशन लेयर जो है वो बढ़ रही है और उसकी वजह से हमारा जो करंट का फ्लो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है। तो एक्चुअली रिवर्स बायस कंडीशन में जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें हमारा फॉरवर्ड करंट बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो जो होता है वो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, है ना। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है रिवर्स बायसिंग में, इन दिस केस द अप्लाइड रिवर्स पोटेंशियल एक्ट्स इन सच अ वे दैट इट एस्टैब्लिशेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इंक्रीजेस द फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर, है ना। इसमें जो होता है पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है एंड दस द बैरियर पोटेंशियल एट द जंक्शन इज स्ट्रेंथेंड एंड द इंक्रीज पोटेंशियल बैरियर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो टर्मिनल्स जो हमारा सोर्स टर्मिनल है उसमें अट्रैक्शन की वजह से जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल बैरियर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और इसकी वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका फ्लो जो हो रहा था, जो हमने पढ़ा था अनबायस कंडीशन में, वो होना जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, मतलब प्रैक्टिकली इस सर्किट से जब रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो एक भी करंट फ्लो नहीं होगा। हेंस द एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन दैट स्ट्रेंथन्स द पोटेंशियल बैरियर एंड प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। आई रिपीट, हेंस द एक्सटर्नल वोल्टेज, हेंस द एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू एन पीएन जंक्शन दैट strengthens the potential barrier and prevents the flow of current through it is called reverse biasing. ठीक है, अब उसके बाद बात आती है द फ्लो, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट टू नोट व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स्ड। अब मैं आपको शॉर्ट में पीएन जंक्शन डायोड में क्या हुआ है वो मैं आपको समझा रही हूँ। द जंक्शन पोटेंशियल बैरियर इज स्ट्रेंथेंड, है ना। तो जो पीएन जंक्शन डायोड में क्या हुआ कि हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लगा हुआ है, इसलिए होल्स जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो डिप्लीशन लेयर जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल बैरियर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, एंड द जंक्शन ऑफर्स अ हाई रेजिस्टेंस, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी बढ़ जाएगा, विच विल स्टॉप द करंट टू फ्लो। प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज इन द सर्किट ड्यू टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस पाथ। इट मे बी नोटेड हियर दैट एट रिवर्स बायसिंग वी से प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन बट अ लिटिल करंट, ठीक है, बट अ लिटिल करंट, वेरी लिटिल, विच इज इन आई थिंक इन माइक्रो एम्पियर्स, फ्लोज थ्रू द जंक्शन बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, है ना। तो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं होगा, जो भी करंट होगा वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा,
एंड इवन एट अ रूम टेम्परेचर, जो मतलब होता है ना सेमीकंडक्टर, रूम टेम्परेचर की वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो यहाँ से वहाँ मूवमेंट होता है उसकी वजह से ही यहाँ पे माइनॉरिटी करंट होगा, और ये जो करंट होगा वो माइक्रो एम्पियर्स में होगा. ओके, हाउएवर दिस करंट इज नेग्लेक्टेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इन करंट को जो है वो नेग्लेक्ट करते हैं. और अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करें तो क्या होता है, इसका एकदम उल्टा होता है. जैसा कि मैं समझा चुकी हूँ कि इसमें जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो रिड्यूस होता है, और इसकी वजह से जो डिप्लीशन लेयर है वो ऑलमोस्ट पूरी एलिमिनेट हो जाती है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो जो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है. और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो जो है वो वोल्टेज सोर्स पे जो उस पर लगा हुआ है, वो अप्लाइड वोल्टेज है वो उस पर डिपेंड करता है, और इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं और फॉरवर्ड करंट बोलते हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन इन बायसिंग. ओके, अब अ पीएन जंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर डायोड. ठीक है, इसलिए मैंने अपनी दोनों वीडियोज में कहीं कहीं पे पीएन जंक्शन को डायोड भी बोला है. सेमीकंडक्टर डायोड इज एक्चुअली पीएन जंक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर डायोड. ओके, सो अब हम बात करेंगे वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डायोड. तो वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक से आप समझ में आ रहा होगा कि वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली एक ग्राफ है जो वोल्टेज और करंट के बीच में होगा. सो द वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन इज जस्ट अ कर्व बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन एंड द सर्किट करंट. ठीक है, तो ये जो हमारा वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस तरीके का हमारा दिखेगा. यहाँ पे मैं फिलहाल आपको शॉर्ट में बता दूँ कि क्या हो रहा है. यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है, पहले हम यहाँ पे बात करें, ये हम वहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं. तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, हमारा फॉरवर्ड करंट होता है. ठीक है, फॉरवर्ड करंट जो होता है वो पहले धीरे 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 हमारा बढ़ रहा है, देख रहे हैं हम यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसके बाद जो हमारा वोल्टेज है, जैसे ही ये 0.3 वोल्ट्स और 0.7 वोल्ट्स, यानी 0.3 वोल्ट्स इन द केस ऑफ जर्मनी एंड 0.7 वोल्ट्स इन द केस ऑफ सिलिकॉन, ये वहाँ पे पहुँचता है, तो क्या होता है, हमारा जो डिप्लीशन पोटेंशियल बैरियर जो है वो तुरंत जो है वो हमारा पोटेंशियल बैरियर हमने क्रॉस किया, क्रॉस करते ही जो हमारा करंट जो है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा. ठीक है, और वहीं पे हमारा रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में हम ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करते हैं. अब रिवर्स में हमारा जो वो करंट है वो तो होता नहीं है, जो भी करंट है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रो एम्पियर्स में होता है. पर क्या होता है कि जब हमारा रिवर्स वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसके बाद जो है वो एक ब्रेकडाउन वोल्टेज की तरफ जाता है. ये भी बहुत ही कम होता है अगर हम उसको वो करें तो, ब्रेकडाउन वोल्टेज काफ़ी कम है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जो हमारा माइनॉरिटी करंट है वो एक्सपोनेंशियली हमारा बढ़ जाता है. इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद जो है वो हमारा डायोड जो है वो ब्रेकडाउन कंडीशन में आ जाता है. ठीक है, वो कैसे आता है वो हम पढ़ते हैं. सो इससे पहले मैं आपको VI कैरेक्टरिस्टिक के कुछ पॉइंट्स आपको समझाना चाहूँगी, और उसके बाद ये ग्राफ ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो पहला पॉइंट ये है कि एट जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज नो करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट. तो भाई जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है ना, क्यों करेगा, इसकी मैं आपको एक इक्वेशन से समझाऊंगी. वैसे जीरो वोल्टेज यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरो वोल्टेज यानी अनबायस कंडीशन की बात कर रहे हैं. ओके, तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि एट जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज नो करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट ऑफ डायोड. ठीक है, अब उसके बाद बात आती है फॉरवर्ड बायस की. तो एट फॉरवर्ड बायस द करंट इंक्रीज इज स्लाइटली टिल द बैरियर पोटेंशियल. ठीक है, बैरियर पोटेंशियल हमारा क्या होता है, 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकन. ठीक है, तो एट फॉरवर्ड बायस द करंट इंक्रीजेस स्लाइटली टिल द बैरियर पोटेंशियल इज वाइप्ड ऑफ, और फिर आफ्टर नी वोल्टेज द फॉरवर्ड करंट राइजेस एब्रप्टली. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पोटेंशियल के बाद जो हमारा करंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा. ठीक है, इफ द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू ऑफ द डायोड मे बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो इतना ज्यादा हमारा फॉरवर्ड करंट जो है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद बात आती है रिवर्स बायस में. तो एट रिवर्स बायस द रिवर्स करंट इंक्रीजेस स्लाइटली विद द इंक्रीज इन वोल्टेज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, है ना. तो इसमें जो है वो करंट मैंने आपको बताया है कि रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है. ठीक है, सो एट अ सर्टेन रिवर्स वोल्टेज द रिवर्स करंट राइजेस एब्रप्टली टू अ लार्ज वैल्यू. इट इज बिकॉज एट दिस वोल्टेज द जंक्शन ब्रेक्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बैरियर रीजन
फॉल्स सडनली, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जंक्शन जो है वो ब्रेक कर जाता है और रेजिस्टेंस जो है वो हमारा तुरंत जो है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से करंट जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है। द रिवर्स वोल्टेज एट विच जंक्शन ब्रेक्स इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। ये जो आपका शो कर रहा है, दिस इज द ब्रेक डाउन वोल्टेज, एंड एट रिवर्स वोल्टेज व्हेन द जंक्शन ब्रेक्स द डायोड इट मे ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो अब स्टूडेंट, इसके बाद मैं इसको आपको, इस जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है उसको मैं और इजीली एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने जर्मेनियम और सिलिकन दोनों के लिए ही यहाँ पे जो है वी आई कैरेक्टरिस्टिक है वो ड्रॉ करके रखी हुई है। यहाँ पे भी जो हमारा ये यहाँ पे फॉरवर्ड बायस दिखा रहा है और यहाँ हमारा जो है नीचे जो है वो हमारा रिवर्स बायस कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले इसमें एक इक्वेशन बताऊंगी। ये इक्वेशन आपको अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर में तो नहीं है, बट अगर आप ये इक्वेशन छोटी सी है याद कर लेंगे तो आपको इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी आसानी जाएगी, वी आई कैरेक्टरिस्टिक समझने में भी जो है वो काफ़ी आसानी जाएगी, ठीक है। सो मैं इसमें आपको बता दूँ कि डायोड करंट की एक इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, ये जो है वो हमारी डायोड करंट की इक्वेशन है। यहाँ पे आई डी जो है वो हमारा डायोड करंट है, आई एस इज द करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। और ई VD जो है दिस इज द आउट एक्सटर्नल वोल्टेज, है ना। तो अब अगर मैं जब मैंने बात करी है कि जब हमारा उसमें हमने बायसिंग नहीं करी हुई है, यानी जब हमारा डायोड जो है उसमें वो एक्सटर्नल वोल्टेज जो जीरो है, यानी VD जो जीरो है, तब क्या होगा हमारा इस इक्वेशन में, जब हम VD की वैल्यू जीरो रखेंगे तो e टू द पावर जीरो माइनस वन, तो e टू द पावर जीरो इज वन एंड वन माइनस वन जो है तो इस एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जो है वो जीरो कर देगा। तो इसकी वजह से जो हमारा ID है, है ना, ये हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है e टू द पावर जीरो माइनस वन, ये जीरो हो गया, तो ID जो है वो हमारा जीरो आ जाएगा। इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो जब हमारा वोल्टेज यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जब हमारा वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जो है वो हमारा जीरो है, ओके। देन अब जैसे हमने क्या किया, अब हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पी जो जंक्शन होता है ये हमारा सिंबल है डायोड का, ओके। तो पी जंक्शन को हम पॉजिटिव टर्मिनल से करते हैं और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से करेंगे। तब उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा जो VD है वो इंक्रीज़ हो रहा है ना, VD इंक्रीज़ हो रहा है, तो VD इंक्रीज़ होने की मतलब जो VD होता है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारी ये टर्म है ना, जो ई वाली ये वाली जो टर्म है वो हमेशा वन से बड़ी आएगी। वन से बड़ी आने के कारण जो हमारा ID है वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा इसीलिए हमारा जो पूरा ग्राफ है फॉरवर्ड बायस का वो हमारा पॉजिटिव की तरफ बन रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बैरियर पोटेंशियल के बारे में तो बता ही चुकी हूँ कि 0.3 के जाने तक करंट जो है वो हमारा धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज होगा, और जैसे ही वो बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करेगा वो एब्रप्टली इंक्रीज होगा या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। सिमिलरली जब मैं रिवर्स बायस की बात करूँगी तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा जो पी टाइप है वो नेगेटिव की तरफ वो होगा और एन टाइप जो है वो पॉजिटिव की तरफ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो VD है वो नेगेटिव है ना, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से जो ये हमारी ये वाली टर्म है e टू द पावर VD अपॉन n ईटा VT जो होती है ये बहुत कम हो जाती है वन से, है ना। अब जब ये वन से बहुत ज़्यादा कम होगी तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है कि e टू द पावर VD अपॉन ईटा VT माइनस वन, ये जो होगा वो हमारा नेगेटिव आएगा, है ना। ये वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि VD हमारा नेगेटिव है या वन से बहुत ज़्यादा कम है। वन से बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से E की जो ये पूरा टर्म की वैल्यू जो होगी वो वन से बहुत ज़्यादा कम आएगी, तो ये जो पूरा टर्म है वो हमारा माइनस में आ जाएगा। फिर से समझाती हूँ कि VD जो है वो हमारा नेगेटिव है, इसकी वजह से इस टर्म की वैल्यू जो होगी वो वन से बहुत ज़्यादा छोटी आएगी, और वन से बहुत ज़्यादा छोटी होने की वजह से ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा डायोड का करंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए जो ये हमारा पूरा जो ग्राफ है वो हमारा नेगेटिव साइड में बनेगा, ओके। उसके अलावा मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सो आई होप कि आपको वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन डायोड जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस यूनिट 5 में कुछ भी टॉपिक बचे नहीं हैं, है ना। और आई होप कि आपको अभी तक के यूनिट 5 के मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.